नमस्कार दोस्तों, UNKT स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। तो देखिए दोस्तों, वह जो खबर है यही है कि यूपी में बनेगा रोजगार आयोग। हाँ दोस्तों, यूपी में जो है बनेगा रोजगार आयोग। और देखिए, हर घर के एक सदस्य को नौकरी देने की योजना बना रही सरकार। तो देखिए दोस्तों, योगी सरकार जो है हर घर के एक सदस्य को जो है नौकरी देने की योजना बना रही है। तो इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम सब देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो देखिए दोस्तों, यह जो न्यूज है यह आज के न्यूज़पेपर का देखिए एक आर्टिकल है। तो चलिए हम सब देखते हैं क्या है पूरी खबर। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। तो चलिए दोस्तों, हम सब यह देखते हैं कि यह रोजगार आयोग क्या है, यानी चलिए हम सब पूरा रोजगार आयोग के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा नौकरी शुदा जरूर हो। इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। यानी देखिए दोस्तों, प्रदेश सरकार यह चाह रही है कि यूपी के हर घर में एक सरकारी नौकरी हो। और देखिए आगे लिखा गया कि इस आयोग के मुखिया जो रोजगार आयुक्त होंगे, तो देखिए इस आयोग के जो मुखिया होंगे वह रोजगार आयुक्त होंगे, उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा। तो देखिए दोस्तों, जो रोजगार आयोग के मुखिया यानी रोजगार आयुक्त होंगे, देखिए उनका जो पद होगा वह मुख्य सचिव के बराबर होगा। रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। यानी देखिए दोस्तों, यह जो रोजगार आयोग बनेगा इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। तो देखिए, यह जो रोजगार आयोग बनेगा इसके अंतर्गत रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। और देखिए, रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वयक का काम करेंगे। उन्हें यह अधिकार होगा कि वह रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेगा। इसमें सरकारी सेवा से लेकर गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार शामिल है। और देखिए, निजी क्षेत्र में देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के मौके उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार उनको प्रशिक्षण भी देगी। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रस्तावित आयोग प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसरों पर नजर रखेगा, साथ ही यह भी तय कराएगा कि नियुक्तियाँ पूरी पारदर्शिता से हो, उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के बाद नौकरी या स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को जो है बैंकर्स से समन्वय स्थापित कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाया जाएगा। विभिन्न देशों के दूतावासों से संपर्क कर वहां उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए आयोग रोजगार मेला का भी आयोजन कराएगा। और देखिए, मनरेगा के तहत जिस तरह सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है, उसी तरह की गारंटी शहरों और कस्बों में रहने वाले हर परिवार को एक सदस्य को रोजगार देने की होगी। और देखिए, लिखा है कि इसके पदेन अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, यानी देखिए जो रोजगार होगा उसके पदेन अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है, लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे प्रदेशों से युवा आए तब सरकार ने सभी जिलों में स्किल मैपिंग कराई। उसी दौरान जो है योगी ने रोजगार आयोग के गठन की बात कही थी। अब इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी दोस्तों, अब यूपी में जो है रोजगार आयोग की गठन की जाएगी, यानी हर घर में जो है
एक नौकरी देने के लिए सरकार इस जो है रोजगार आयोग का गठन करेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सब यहाँ पर देखिए प्रदेश में कितने खाली पद हैं। सबसे पहले यह देखिए, तो देखिए सीधी भर्ती से यदि खाली पद देखें तो 119,608 हैं और पदोन्नत के पद देखें तो 31,477 हैं। और देखिए आयोग में जो लंबित रिक्तियां वो 26,151 हैं। हालांकि दोस्तों मैंने सुबह इस पर वीडियो बना दिया है, अब यहां पर देखिए आप सब नीचे देखिए यहां पर दिया है कि प्रमुख विभागों में रिक्तियां। तो देखिए दोस्तों यह जान लीजिए कि प्रदेश में कितने कितने विभाग में कितनी जो है रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए राजस्व विभाग में यदि हम देखें तो देखिए 20,554 जो है रिक्तियाँ हैं, और परिवहन में देखिए 16,652, पंचायती राज में कुल 10,517, लोक निर्माण में 5,534, कारागार प्रशासन एवं सुधार में देखिए 5,141, स्टाफ पंजीयन में 3,180, समाज कल्याण में 2,503, खाद्य एवं रसद विभाग में देखिए 2,460, गृह विभाग में देखिए यहाँ पर 2,362 और आवास में देखिए 2,183। यानी देखिए दोस्तों प्रमुख विभागों में इतनी जो है रिक्तियां हैं, इन पर जो है वैकेंसियां निकाली जाएगी। देखिए यहाँ पर सितंबर तक 119,608 रिक्त पदों का आया आंकड़ा। तो देखिए दोस्तों सितंबर तक यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए 119,608 रिक्त पदों का आंकड़ा आया है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए यही एक लेटेस्ट अपडेट था। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप डेली UP SSSC या UP में किसी भी रोजगार से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।